महाराष्ट्र में एक बार फिर से मराठा आरक्षण की मांग ने जोर पकड़ लिया है। जी हां, लाठ पुलिस के लाठीचार्ज के बाद महाराष्ट्र के जालना में देखिए क्या हो रहा है। अंतरावली का इलाका है जहां पर मराठों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में लातूर में शुक्रवार की रात सड़क पर टायर जलाकर यातायात को रोक दिया गया। मराठा क्रांति मोर्चा की ओर से लातूर जहीराबाद हाईवे पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। इस मार्ग पर कुछ समय के लिए यातायात बाधित हो गया। सड़क के दोनों किनारे बंद कर दिए गए और आंदोलन शुरू कर दिया। इस स्थान पर मराठा समुदाय के आंदोलनकारी युवाओं ने सड़क पर टायर जलाकर नारेबाजी की और सड़क पर यातायात अवरुद्ध कर दिया। तो जालना हिंसा को लेकर लेटेस्ट अपडेट क्या, चलिए बताते हैं। धुले सोलापुर राजमार्ग पर सभी बस सेवाएं रद्द कर दी गई हैं। एसटी कमेटी ने सभी बस और ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया है। एसटी निगम की बसों में आगजनी की घटना के बाद सोलापुर हाईवे पर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। प्रदर्शनकारी हाईवे पर भी तांडव कर रहे हैं। औरंगाबाद से बीड, सोलापुर, उस्मानाबाद, लातूर जिलों में ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। बस सेवा प्रभावित होने से आम लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। बड़ी संख्या में यात्री सिडको बस स्टेशन फंस गए। आपको बता दें कि ये तस्वीरें हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग एक बार जोर पकड़ रही है फिर से। और जालना में पिछले कुछ दिनों में आरक्षण की मांग पर लोग भूख हड़ताल पर भी गए थे। आपको बता दें कि शुक्रवार को यहां प्रदर्शनकारी कथित रूप से उग्र हो गए और उन्हें काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। आरक्षण की मांग कर रहे लोगों ने यहां पर सड़कों पर तांडव मचाया, तोड़फोड़ और आगजनी की। कल की हिंसा के बाद आज बीड, लातूर, धाराशिव और परभणी में बंद का ऐलान किया गया है। मराठा संगठनों ने मुंबई और नासिक में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। कोल्हापुर में भी आज मराठा संगठनों के नेता इकट्ठा होने वाले हैं। दरअसल दावा यह किया जा रहा है कि पुलिस जो है मनोज जारंग जो नेता है उन्हें और उनके समर्थकों को रोकने की कोशिश की। इस बीच पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। देखते ही देखते ये हिंसा भड़क गई। जालना जिले में प्रदर्शनकारियों ने कई बसों में आग लगाई। बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। इसके साथ ही कर्नाटक स्टेट ट्रांसपोर्ट की एक बस को भी प्रदर्शनकारियों ने जला दिया। धुले सोलापुर हाईवे पर महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट की एक बस को प्रदर्शनकारियों ने रोका। बस में 43 यात्री सवार थे। बस बीड जा रही थी, महाराष्ट्र के बीड इलाके में जा रही थी, जब प्रदर्शनकारियों ने जबरन रोककर उसमें तोड़फोड़ की। और इसके अलावा आपको बता दें कि जो जालना में चल रहा है उसमें इसके अलावा बता दें कि आपको धुले सोलापुर राजमार्ग पर सभी बस सेवाएं रद्द कर दी गई हैं। ये आज की खबर है।